हज की पैदल यात्रा करने निकला फिर एक युवक, देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। खुदा का घर देखने की ललक हर दिल की होती है। हालांकि आर्थिक परिस्थितियों के चलते हर किसी की यह हसरत पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जब इरादे मजबूत हों और ख्वाहिशें परवान चढ़ चुकी हों तो दीदार काबा की राह खुद ही आसान भी हो जाती है। कुछ इसी तर्ज पर अपनी इस ललक को पूरा करने की ठानी है केरल के शिहाब नामक एक युवक ने। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शिहाब अपने घर से सऊदी की ओर रवाना हो चुका है। भारत के आखिरी छोर केरल के मलप्पुरम जिले के कोटक्कल के साथ अठावनाड एक इलाका है। यहीं के रहने वाले शिहाब पिछले दिनों पैदल हज सफर पर निकल चुके हैं। वो अकेले ही पैदल चलकर 8600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर 8 महीने बाद मक्का शहर पहुंचेंगे। शिहाब अपने घर से निकल चुके हैं और रास्ते में उनका विभिन्न स्थानों पर स्वागत भी हो रहा है। शिहाब पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत के रास्ते होते हुए सऊदी अरब पहुंचेंगे। बताते चलें कि शिहाब पिछले एक साल से इस रूहानी सफर पर निकलने की तैयारियों में जुटे हुए थे। शिहाब ने जब मक्का जाने के लिए विदेश मंत्रालय में अर्जी दी तो विभागीय अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि विदेश मंत्रालय के पास इससे पूर्व कभी भी ऐसी अर्जी किसी ने नहीं लगाई थी। हालांकि शिहाब के सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने और अन्य सभी संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी होने पर विदेश मंत्रालय ने भी शिहाब के सफर को हरी झंडी दे दी। शिहाब सऊदी अरब पहुंचने तक प्रतिदिन कम से कम 25 किलोमीटर का पैदल सफर तय करेंगे, क्योंकि उनके साथ कुछ सामान भी होगा जिसके चलते वो रोज इससे ज्यादा सफर शायद न कर पाए। बकौल शिहाब, अनजान रास्तों का सफर तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा, जो कि काफी हद तक मुश्किल और जोखिम भरा होगा। शिहाब के अनुसार वो अपने सफर के दौरान अधिकतर रातें मस्जिदों के अंदर ही बिताएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही कहा था कि वो अपने साथ कोई तंबू नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ दिन के उजाले में ही चलना पसंद करेंगे। शिहाब का ये सफर काफी लंबा होगा, जो कि अगले साल फरवरी या मार्च में जाकर पूरा होगा। इस दौरान वो कुल 8640 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। शिहाब को उनके सफर के लिए लोग लगातार शुभकामनाएं देते दिखाई दे रहे हैं। नूर मोहम्मद सैयद नाम के यूजर ने लिखा, कुवैत में वेटिंग हो रहा है भाई का। वहीं रिजवान काजी नाम के यूजर ने लिखा, लेकिन इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है, काश पैदल जाता और किसी को खबर भी ना होती। वहीं लियाकत नाम के यूजर ने लिखा, अल्लाह इनका हर कदम पर साथ दे और खैरियत से मक्का पहुंचाए। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुँचे।